आज हम दो मूवीज को एक्सप्लेन करेंगे जो वन ऑफ द बेस्ट हॉरर स्लैशर सुपर हीरो और सुपर नेचुरल मूवीज हैं। पहली मूवी में हम हेल के राजा को देखेंगे कि क्या होगा अगर हेल का राजा अपने मॉन्स्टर्स को लेकर जमीन पर आ जाए। उसके तमाम मॉन्स्टर्स बेशक दुनिया भर में तबाही मचाएंगे, पर क्या वो अपने इस मिशन में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। दूसरी मूवी है चंद सिर फिरे इंसानों या यूं कह लो सर फिरे मॉन्स्टर्स की, जो एक साथ मिलकर टीम की सूरत में एक मिशन पर जाते हैं, पर क्या वो अपनी बेवकूफियों की वजह से मिशन पूरा कर पाएंगे या फिर ऐसे ही वो रस्ते में मारे जाएंगे, ये हमें पता चलेगा आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले पहली मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी शुरू होते ही हमें ये दिखाया जाता है कि इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच लड़ाई चल रही है। वहाँ हमें उन मॉन्स्टर्स की क्वीन दिखाई देती है जो इस दुनिया से तमाम इंसानों का खात्मा करना चाहती है। इसलिए उस क्वीन ने ही इंसानों से जंग शुरू की थी और उसने अपनी पावर से बहुत से इंसानों को अपना गुलाम भी बना लिया था। फिर हमें इंसानों का किंग दिखाया जाता है जो इस क्वीन से लड़ कर उससे छुटकारा हासिल करना चाहता है, इसलिए वो उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो क्वीन रह रही होती है। इंसानों का वो बादशाह बहुत समझदार होता है, वो अपनी समझदारी से एक चाल चलता है। वो क्वीन को ये शो करवाता है कि उसके पास वो हार मारने के लिए आएगा, लेकिन हकीकत में वो इस क्वीन को मारने के लिए जाएगा। उस किंग के पास एक पावरफुल तलवार थी जिसे वो खुद या उसका चुना हुआ काबिल इंसान ही उठा सकता है, और यही तलवार ऐसी तलवार है जिससे वो क्वीन मर सकती है। फिर किंग अपनी चलाकी से क्वीन का सर दर से अलग करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम में हेलबॉय को दिखाया जाता है। वो अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा होता है जो मॉन्स्टर्स पर सर्च करते करते कहीं खो गया था। अपनी सर्च के दौरान हेलबॉय उसे ढूंढ तो लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उन मॉन्स्टर्स ने उसके दोस्त को भी मॉन्स्टर बना दिया है। उसे देखकर वहाँ सब लोग डर जाते हैं और वो भागने की कोशिश करते हैं। वो मॉन्स्टर हेलबॉय पर हमला करना शुरू कर देता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते गलती से हेलबॉय अपने दोस्त को मार देता है। और फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन हेलबॉय को उसके फादर अपने पास बुला लेते हैं और उसको कोई खतरनाक मिशन देते हैं, और साथ ये भी बताते हैं कि ये मिशन सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो क्योंकि एक जगह पर कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है, तुम वहाँ पर जाकर ये सब ठीक कर सकते हो क्योंकि वो मॉन्स्टर्स इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हैं। हेलबॉय अपने फादर की बात मानकर उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो जाकर ये देखता है कि वो मॉन्स्टर्स तो इंसानों को खाते हैं। एक क्लब में हेलबॉय एक लड़की समेत कुछ लोगों से मिलता है। उस लड़की के पास पावर्स हैं और वो अपनी पावर से हेलबॉय का पास्ट बता सकती है। वो बताती है कि जब हेलबॉय पैदा हुआ था तो ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था और तुम्हें देखकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये शैतान का बेटा है और ये बड़ा होकर इस दुनिया का खात्मा करेगा। वो कहती है कि वो प्रोफेसर जिसको तुम अपना डैड समझते हो, वो तुम्हें जान से मारना चाहते थे तब जब उन्होंने तुम्हें पहली बार देखा था, लेकिन उन्होंने खुद पर कंट्रोल करके दुनिया की बातों को इग्नोर करते हुए तुम्हें पालने का फैसला किया और फिर उन्होंने तुम्हारी परवरिश करके तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा। ये सुनकर हेलबॉय दुखी हो जाता है कि लोग उसे बचपन से ही बुरा क्यों समझते थे, हालांकि तब तो वो एक सिर्फ छोटा सा बच्चा था। अगले सीन में हमें एक जानवर की तरह दिखता मॉन्स्टर कुछ लोगों को मारते हुए दिखाया जाता है। उन सबको मारकर वो मॉन्स्टर एक बॉक्स चुरा लेता है और उस बॉक्स में कोई और चीज नहीं बल्कि उसी क्वीन का कटा हुआ सर था जिसे मूवी की शुरुआत में उस किंग ने काट दिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि पास्ट में उस किंग ने क्वीन का सर यहाँ छिपा दिया था। उस क्वीन का कटा हुआ सर देखते ही देखते अपनी आंखें खोल देता है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो क्वीन अभी भी जिंदा है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि हेलबॉय जिन लोगों से मिलता है वो उनके साथ एक जंगल में जा रहा होता है। वो हेलबॉय को ये कहता है कि हम वहाँ पर तीन आदमखोरों को मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन असल में उन लोगों का प्लान ही हेलबॉय को जंगल में लाकर जान से मारना होता है। उनका लीडर बातों बातों में कहता है कि हम कभी भी अपना मुल्क तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। वो ये कहकर हेलबॉय को पीछे से स्टैब करवा देता है जिस वजह से वो काफी बुरा जख्मी हो जाता है, लेकिन हेलबॉय किसी तरह उनसे अपनी जान बचा लेता है। तभी वहाँ पर तीन आदमखोर आ जाते हैं जिनका साइज काफी बड़ा होता है। वो हेलबॉय के बच्चे कुछ साथियों पर हमला करके उन्हें खाने लगते हैं। वो आदमखोर अब हेलबॉय को देख लेते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हेलबॉय अब उनसे पूरी तरह से फाइट करता है और वो इस फाइट में उन तीन आदमखोरों को मार देता है, लेकिन वो खुद भी काफी जख्मी हो चुका था इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बेशक अगर किंग ने क्वीन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को अलग अलग जगह पर छुपा दिया था, लेकिन वो जानवर जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर उन टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें आपस में जोड़ देता है। फिर हमें हेलबॉय को दिखाया जाता है जो होश में आने पर दिखता है कि वो एक घर में पड़ा है। वहाँ एक लड़की एलिस हेलबॉय को ये बताती है कि मैंने तुम्हें बेहोश देखा और इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आ गई। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं और मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनकी मदद से मैं मुर्दों से बात कर सकती हूँ। हेलबॉय चूंकि एलिस को बचपन से जानता था इसलिए वो उस पर यकीन कर लेता है। एलिस उससे बताती है कि पता नहीं क्यों मुझे मुर्दों की सोल्स तुम्हारी जान लेने का कह रही हैं और वो मुझे कह रही हैं कि तुम आगे जाकर इस दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाओगे। तभी हेलबॉय
बॉय को उसके फादर ढूंढ लेते हैं, जो उसे बताते हैं कि किसी मॉन्स्टर ने अपनी क्वीन को ढूंढ कर उसे जिंदा कर दिया है, तुम्हें उस मॉन्स्टर को मजीद कुछ करने से रोकना होगा। लेकिन हेलबॉय अपने फादर की बातों पर तवज्जो ना देते हुए उन्हें कहता है कि अगर आप पहले से ये जानते थे कि मैं बड़ा होकर इस पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाऊंगा तो आपने मुझे क्यों जिंदा रखा। इस पर उसका फादर ये कहता है कि फिलहाल तुम्हें जो करने को कहा है तुम वो ही करो, इस पर हम बाद में बात करेंगे। हेलबॉय का फादर अब उसे एक मेजर से मिलवाता है, जो उसे ये बताता है कि उस क्वीन के जिस्म का एक हिस्सा अभी भी कहीं छिपा हुआ है। ये सुनते ही हेलबॉय और मेजर उस तरफ जाने का फैसला करते हैं, पर उनके साथ एलिस भी जाने की जिद करती है, जिसे वो दोनों अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ जाते ही वो देखते हैं कि उन मॉन्स्टर ने उन सबको मार दिया है, इवन कि वो उस लड़की को भी मार देता है जिसने हेलबॉय के बचपन के बारे में हेलबॉय को बताया था। एलिस उन सबको ये बताती है कि इस लेडी की रूह अभी भी यहीं कहीं है, मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकती हूँ। एलिस उससे बात करने की कोशिश करती है, जिससे उस लेडी की रूह एलिस के मुंह से बाहर आ जाती है। वो रूह उन सबको बताती है कि मॉन्स्टर्स की क्वीन अब वापस आ चुकी है और वो अपने राजा की तलाश में है ताकि वो मजीद ताकतवर बन सके, लेकिन तुम लोग उसे हरगिज ताकतवर ना बनने देना और उसे अपना राजा ना ढूंढने देना। ये कहकर वो लेडी की रूह वापस चली जाती है। फिर उन्हें वहाँ पर किसी के होने का शक होता है और जब वो सब वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ उस मॉन्स्टर को पाते हैं, जो अपनी क्वीन को पूरा जोड़ने के लिए उसका आखिरी हिस्सा लेने के लिए आया होता है। हेलबॉय उसे लड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर क्वीन आकर उस मॉन्स्टर को अपने साथ वापस ले जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर की क्वीन ने एक रिचुअल करके अपने सारे बॉडी पार्ट्स जोड़ लिए हैं, लेकिन वो जिंदा होने के बावजूद भी काफी कमजोर थी। अब हमें हेलबॉय और एलिस को दिखाया जाता है, जो हेलबॉय के फादर से मिलने के लिए जाते हैं। उसके फादर उस क्वीन पर काफी अरसे से रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उस क्वीन का जल्द से जल्द खात्मा करना चाहते थे। उन्हें इतनी जल्दी में देखकर हेलबॉय कहता है कि डैड, आपको जल्दी किस बात की है, वो क्वीन अभी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वो अभी काफी कमजोर है। इन बातों को लेकर वहाँ उनकी बहस छिड़ जाती है और गुस्से में आकर हेलबॉय वहाँ से चला जाता है। वो लिफ्ट से नीचे जा ही रहा होता है कि वो वहाँ से किसी और ही दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक विच मिलती है। हेलबॉय उसे उस क्वीन के बारे में पूछता है तो वो विच कहती है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर उस विच के बारे में बताऊंगी, कि उसके बारे में बताने के बदले में मुझे तुम्हारा एक हाथ चाहिए होगा। हेलबॉय उससे ये डील कर लेता है, जिससे वो विच कहती है कि जिस जगह उस किंग ने उस क्वीन के टुकड़े टुकड़े किए थे, उस जगह पर उस क्वीन का बहुत सारा खून बह गया था। वहाँ पर एक दरख्त भी था जिसने उस क्वीन का सारा खून अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था। अब क्योंकि वो रानी काफी कमजोर है, इसलिए वो सबसे पहले उस जगह पर जाएगी अपना खून वापस लेने के लिए, ताकि वो अपनी पावर्स वापस ले सके। हेलबॉय उसकी सारी बातें समझ जाता है। अब हेलबॉय वहाँ से जाने ही वाला होता है कि वो विच कहती है, अब मेरी शर्त पूरी करो, जिसके जवाब में हेलबॉय कहता है कि तुम्हें मेरा हाथ ही चाहिए था ना, वो मेरे मरने के बाद ले लेना। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेलबॉय, एलिस और वो मेजर अब उस दरख्त के पास जा ही रहे होते हैं और वो उस जगह से थोड़ी दूर ही उतर जाते हैं ताकि क्वीन को उनके आने का पता ना चले, लेकिन वहाँ पर उस क्वीन के मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं। अब वो सब मिलकर उनको रोकने लगते हैं। हेलबॉय उन मॉन्स्टर को चकमा देकर उस क्वीन की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसकी ताकत बढ़ने से रोक सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो क्वीन अब अपना सारा खून वापस अब्सॉर्ब कर चुकी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन हेलबॉय को कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। अब मैं चाहती कि तुम मेरे साथ मिलकर इस दुनिया पर हमला करो और हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन हेलबॉय उसे कहता है कि तुम मुझे किसी भी तरह खरीद नहीं सकती, मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगा, जिससे रानी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो एलिस पर जहरीले तीर से हमला कर देती है, जिससे एलिस काफी बीमार पड़ जाती है। वो क्वीन ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी। फिर हम एक और विच को वहाँ पर देखते हैं, जो पहले उस क्वीन की साथी थी, लेकिन इस विच ने उस क्वीन को धोखा दिया और अब वो उससे काफी नफरत करती है। वो विच हेलबॉय को ये बताती है कि इस जहरीले तीर का इलाज सिर्फ एक ही जादूगर कर सकता है। हेलबॉय किसी तरह एलिस को उस जादूगर के पास ले जाता है और वो जादूगर अपने जादू से एलिस को ठीक भी कर देता है। और वो जादूगर हेलबॉय से पूछता है कि तुम हो कौन, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। वो जादूगर बताता है कि किंग की पोती ने एक मॉन्स्टर से शादी कर ली थी और फिर उस शादी से तुम हुए, और जब तुम पैदा हुए तो लोगों ने कहा कि ये तो शैतान है, ये शैतान इस दुनिया को खत्म कर देगा, इसलिए शुरू से ही तुमसे सब नफरत करते थे। वो कहता है कि अगर तुम किसी तरह किंग की वो तलवार उठा लोगे जिससे उसने क्वीन के टुकड़े किए थे और उससे क्वीन को मार दोगे तो वो सब लोग तुम्हारे बारे में गलत होंगे। वो जादूगर अपने जादू से वो तलवार वापस बुला लेता है और हेलबॉय उस तलवार को पकड़ते ही विजन्स देखना शुरू कर देता है, जिसमें वो खुद इस पूरी दुनिया को तबाह कर रहा होता है, जिससे वो काफी घबरा जाता है और इसी घबराहट में
उससे वो तलवार उस पत्थर से नहीं निकलती और वो तलवार वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो रानी अपनी पूरी मॉन्स्टर आर्मी के साथ हर जगह तबाही फैला रही होती है और ऐसे ही वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर हेलबॉय के फादर काम कर रहे होते हैं। तभी मेजर को ये मैसेज रिसीव होता है कि क्वीन वहां पहुंच चुकी है और वो उस तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि क्वीन ने उन सबको मार दिया है। हेलबॉय परेशान हो जाता है कि कहीं उसने मेरे फादर को ना मार दिया हो। फिर इन तीनों को ये खबर मिलती है कि वो रानी एक चर्च में है और फिर वो तीनों उसके पीछे पीछे उस चर्च में चले जाते हैं जहां पर वो उस बड़े जानवर जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं जो पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। वो उन पर हमला करके मेजर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और हेलबॉय को मारने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि मेजर में काफी चेंजेस आने लगते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता एक काफी बड़े टाइगर में तब्दील हो जाता है। अब वो और हेलबॉय मिलकर उस मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनमें काफी लड़ाई होती है। अब वो मॉन्स्टर हेलबॉय को मारने ही वाला होता है कि वो क्वीन वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है और वो क्वीन उस मॉन्स्टर को काफी छोटा करके उसे जान से ही मार देती है और फिर वो हेलबॉय को उस चर्च के बिल्कुल दरमियान में फेंक देती है। ये वही जगह होती है जहाँ पर उस किंग की तलवार को छिपा कर रखा होता है। फिर वो क्वीन हेलबॉय को कहती है कि अगर तुम वो तलवार निकाल लोगे तो तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे और उस पावर की मदद से हो सकता है कि तुम इस पूरी दुनिया को खत्म कर दो। उस क्वीन को ये पता था कि हेलबॉय को सब बुरा समझते हैं, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाकर कहती है कि ये तलवार तुम निकालो, लेकिन हेलबॉय खुद को संभाल कर उस क्वीन को मना कर देता है, जिससे वो क्वीन गुस्से में आकर हेलबॉय के सामने उसके फादर को मार देती है। अपने फादर को मरता देखकर वो गुस्से में आकर उस तलवार को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो बहुत ताकतवर बन जाता है। उसके सर पर बड़े बड़े सींग निकल आते हैं और उस तलवार में आग लग जाती है, जिससे वो हेलबॉय को और ताकतवर बना देती है। हेलबॉय को पावर्स मिलने के साथ साथ हेल का दरवाजा भी ऑटोमेटिकली खुल जाता है और वहाँ जितने ही मॉन्स्टर्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और सबको कत्ल करना शुरू कर देते हैं। हेलबॉय को इतना पावरफुल देखकर वो क्वीन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इतने पावरफुल हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना राजा मानती हूँ। अब हम मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। हेलबॉय अपनी पावर्स के होने की वजह से उस क्वीन की बातों में आने लगता है और तभी एलिस हेलबॉय के फादर की सोल को हेलबॉय के सामने लेकर आती है और इसका फादर ही कहता है कि बेटा आज सब तुम्हारे हाथ में है, तुम अगर चाहो तो इस दुनिया को बचा भी सकते हो और इस दुनिया को तबाह भी कर सकते हो। अपने फादर की आवाज सुनकर हेलबॉय अपने होश में आ जाता है और अपने एक जोरदार वार से उस क्वीन का सर काट देता है। फिर हेलबॉय उन मॉन्स्टर्स के साथ साथ उस क्वीन को भी हेल में वापस भेज देता है और फिर वो हेल का दरवाजा बंद भी कर देता है और वहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, क्योंकि हेलबॉय ने इस दुनिया को तबाह करने की बजाय उसे बचा लिया था। अब हम एक्सप्लेन करेंगे दूसरी मूवी को, जो सर फिर इंसान कम मॉन्स्टर्स की है। तो इस मूवी में हमें तीन तरह की दुनिया को दिखाया गया है, जिसमें से एक हमारी दुनिया यानी अर्थ, एक हेल यानी जहन्नम की दुनिया और एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं, और ये वाली दुनिया सबसे अलग दुनिया होती है। ये तीनों दुनिया किसी न किसी वजह से आपस में लड़ती झगड़ती रहती और हर कोई एक दूसरे पर रोल करने के लिए एक दूसरे की दुनिया को तबाह करना चाहता। अब इस तीनों दुनिया की जंग को खत्म करने के लिए एल्डर गॉड्स ये डिसाइड करते हैं कि इन तीनों दुनिया की लड़ाई को एक ही बार खत्म करने के लिए इनके बीच एक लड़ाई होगी और इसी लड़ाई का नाम मॉर्टल कॉम्बैट होगा और इसी नाम पर ये मूवी भी बनी है। अब इस जंग में जो जीत जाएंगे वो बाकी दुनिया पर रूल करेंगे और सबको अपने साथ अपनी दुनिया में भी लेकर जाएंगे। जिस वर्ल्ड में पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते थे उस वर्ल्ड का नाम आउट वर्ल्ड होता है। उस वर्ल्ड का लीडर बहुत खतरनाक होने के साथ साथ काफी पावरफुल भी था। वो नहीं था चाहता कि मॉर्टल कॉम्बैट हो, इसलिए वो इस लड़ाई से पहले ही सब लोगों को ढूंढ कर उन्हें जान से मार दिया करता था। अब हमें मूवी की शुरुआत में पुराने वक्त का एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम हांजो होता है और वो अर्थ का सबसे अच्छा वॉरियर था। वो अपनी जिंदगी में काफी खुश था क्योंकि वो अपनी फैमिली यानी बीवी और एक छोटी सी बच्ची के साथ अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहा था। एक दिन हांजो पानी लेने के लिए अपने घर से काफी दूर चला जाता है, तभी हम देखते हैं कि उसके घर के पास आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर आकर उन पर हमला कर देता है। वो वॉरियर वहाँ पर सारे आदमियों को मारकर हांजो की बीवी बच्चों को पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि हांजो की बीवी को जब पता चला कि वो वॉरियर उन पर हमला करने ही वाला है तो उसने उस वॉरियर से किसी तरह अपनी बेटी को जमीन में छिपा दिया था। तभी हांजो को पता चल जाता है कि उसकी बीवी बच्चे खतरे में हैं और वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगता है, मगर वो घर पहुंचता ही है कि वो अपनी बीवी को बर्फ में जमा देखकर उस आउटवर्ल्ड के वॉरियर पर हमला कर देता है और वो दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। अपनी फाइट के दौरान वो आदमी हांजो को जान से मार देता है। हांजो को जान से मारकर वो वॉरियर वापस अपनी दुनिया में चला जाता है और हांजो की सोल अब तीसरे वर्ल्ड यानी हेल में चली जाती है।
अब हम देखते हैं कि वहाँ पर अर्थ के लीडर की एंट्री होती है जो उस बच्ची को जमीन से निकालते हैं और वो खंजर जिससे हांसू मरा था वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम के आउटवर्ल्ड में जहाँ हमें पता चलता है कि आउटवर्ल्ड वो फाइट जीतने ही वाला है, यानी उन्हें बस एक और फाइट करनी होगी जिससे वो तमाम वर्ल्ड्स पर रूल कर सकेंगे। पर उसके अलावा उनकी जीत में एक काफी पुरानी प्रेडिक्शन भी सामने आ रही थी जिसके मुताबिक हांजू का खून आउटवर्ल्ड का खात्मा करेगा। अब जिन लोगों को अर्थ पर मॉर्टल कॉम्बैट के लिए लड़ना होता है उनकी बॉडी पर नेचुरली एक ड्रैगन का निशान बना होता है और उन्हीं आदमियों में से एक आदमी का नाम कोल होता है जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ अपनी जिंदगी काफी खुशी से गुजार रहा था। हम देखते हैं कि उसे अक्सर हांजू और उसके खंजर के विजन आते रहते हैं लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोल अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहा था कि वहाँ पर वही आदमी आकर कोल पर हमला कर देता है जिसने हांजू को जान से मार दिया था। वो कोल और उसकी फैमिली पर अटैक कर ही रहा था कि वहाँ पर एक आदमी आकर उनको उस वॉरियर से बचा लेता है। वो उन्हें गाड़ी में बिठाकर कहता है कि अभी टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर सकूं, इसलिए तुम मेरी गाड़ी लो और मेरी एक दोस्त के घर चले जाओ और मैं इस वॉरियर से मुकाबला करूंगा। हम देखते हैं कि अब वो शख्स उस आउटवर्ल्ड वाले वॉरियर से लड़ने लगता है। अब चूंकि उस वॉरियर की पावर्स किसी भी चीज को बर्फ में जमाना थी इसलिए वो उस आदमी के दोनों बाजुओं को फ्रीज करके उन्हें उसकी बॉडी से उखाड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि कॉल अपनी फैमिली के साथ उस लड़की के घर चला जाता है और वहां जाके वो उस लड़की से मिलता है जहां वो लड़की उन्हें अपना नाम सोनिया बताती है। वो कहती है कि मैं और वो आदमी जिसने अभी अभी आपको बचाया है हम दोनों आर्मी में थे। हम अपनी रिसर्च में ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनकी बॉडी पर वो ड्रैगन वाला निशान होता है। वो कहती है कि अगर कोल तुम्हारे जिस्म पर भी वो ड्रैगन वाला निशान है तो इसका मतलब यह है कि तुम भी वो जंग लड़ोगे जिसे हम मॉर्टल कॉम्बैट कहते हैं और तुम भी हम में से चूज किए गए हो। कोल सोनिया की बातें सुनकर हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना। वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही, तुम्हें भी हमारे साथ मिलकर बाकी वॉरियर्स को ढूंढना होगा जिन पर ये निशान होते हैं। अब सोनिया कोल को एक ऐसे आदमी से मिलवाती है जो काफी लालची था और बेवकूफ होने के साथ साथ वो काफी गुस्से वाला भी था। वो तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर में खास बात ये थी कि वो लड़ाई के दौरान कहीं भी गायब यानी इनविजिबल हो जाता था और इसके अलावा वो अपने मुँह से ऐसा तेजाब निकालता था जिससे कोई भी चीज पिघल सकती थी। वो मॉन्स्टर उनसे लड़ते लड़ते उस लालची गुस्से आदमी को जख्मी कर देता है जिससे वो आदमी काफी गुस्से में आकर उस मॉन्स्टर का दिल निकाल कर उसे वहीं पर जान से मार देता है। अब उनमें से किसी को ये बात पता नहीं थी कि जो अर्थ के वॉरियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग किधर होती है। तभी वहाँ वो गुस्से वाला आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो ट्रेनिंग किधर होती है। वो शख्स बातों बातों में उन्हें अपना नाम केनो बताता है और वो कहता है कि मुझे तुम लोगों की मदद करने के बदले में क्या मिलेगा। ये बात सुनकर सोनिया उसे कुछ पैसे ऑफर करती है जिस पर पहले तो ये मना कर देता है पर बाद में सोनिया वो रकम बढ़ा देती है जिससे केनो मान जाता है। अब केनो एक प्लेन के जरिए उन्हें उस ट्रेनिंग वाली जगह पर ले जाता है। हम देखते हैं कि वो जगह एक टेंपल होती है जिसे एक डेजर्ट में अर्थ के वॉरियर्स के लीडर्स ने बनाया था। वहाँ पर उन्हें एक लड़का मिलता है जो उन्हें उस टेंपल में लेकर जाने के लिए गाइड करता है और हम देखते हैं कि वो लड़का भी एक वॉरियर है यानी वो भी उस मॉर्टल कॉम्बैट में लड़ेगा क्योंकि उसकी बॉडी पर भी वो ड्रैगन वाला निशान होता है। वहाँ पहुंचकर कोल एक हांजू की पेंटिंग देखता है जिससे उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं। अब वो लड़का जो उन्हें टेंपल में गाइड कर रहा था वो उन्हें सोनिया के दोस्त को दिखाता है जिसने मूवी के पिछले सीन में कोल और उसकी फैमिली को बचाया था। सोनिया ये देखकर काफी परेशान हो जाती है कि उस आउटवर्ल्ड के वॉरियर ने उसके दोस्त के हाथ बिल्कुल जड़ से ही उखाड़ दिए थे लेकिन वो लड़का उसे तसल्ली देता है और कहता है कि हमारे बेहतरीन लोग इसको ठीक करने के लिए लगे हैं, तुम टेंशन लेने की बजाय बस इसके ठीक होने का इंतजार करो। अब वो लड़का उन सबको अर्थ के वॉरियर्स के लीडर से मिलवाता है और वो लीडर उन सबसे मिलकर कहता है कि जंग में अभी बहुत कम टाइम बचा है और तुम लोगों के अभी तक तैयार भी नहीं हुए और तो और अभी तुम लोगों ने अपनी अपनी पावर्स को भी तलाश करना है। वो बातें कर ही रहे थे कि वहाँ आउटवर्ल्ड का लीडर अपने साथ कुछ वॉरियर्स को लेकर उन्हें मारने के लिए आ जाता है। अर्थ का लीडर उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अभी जंग में कुछ टाइम बचा है। वो अर्थ के लीडर को कहता है कि ये है तुम्हारे वॉरियर्स जिन्हें अभी तक अपनी पावर्स का ही नहीं पता चला। ये कहकर वो उन पर हमला करने ही वाला था कि अर्थ का लीडर अपने और उनके बीच एक इनविजिबल शील्ड बना देता है जिसकी वजह से वो उन पर हमला नहीं था कर सकता और इसलिए वो वहाँ से ये कहकर वापस चला जाता है कि हम दोबारा वापस जरूर आएंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि रात को वो सब बैठकर खाना खा ही रहे थे जहाँ वो सब मिलकर केनो का काफी मजाक उड़ाते हैं। अब चूंकि केनो काफी गुस्से वाला था इसलिए वो अपना मजाक उड़ता देख गुस्से में आ जाता है और इसी गुस्से की वजह से उसे उसकी पावर्स भी मिल जाती हैं। अब चूंकि केनो को पावर्स मिल गई थी इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो ट्रेनिंग
लिंक करके बाकी सबकी पावर्स भी किसी तरह लेकर आएंगे। दरअसल ये पावर्स सिर्फ उन्हें ही मिलती थी जिनके पास वो ड्रैगन वाला निशान होता था। ट्रेनिंग के दौरान हम देखते हैं कि सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि उसकी बॉडी पर वो ड्रैगन वाला निशान नहीं था और इसलिए उसके पास कोई सुपर पावर भी नहीं थी आ सकती। अब ट्रेनिंग के दौरान वहाँ सबके पास कोई ना कोई पावर आ जाती है, जैसे टेम्पल गाइड अपने हाथ से आग निकाल सकता था, उसके भाई के पास ऐसी मेटल की हेड थी जो एक ब्लेड के तौर पर काम कर सकती थी और अब केनो भी अपने आंखों से लेजर बीम निकाल सकता था। लेकिन आखिर में कॉल ही बच गया था जिसके पास अभी तक कोई सुपर पावर नहीं थी आई। अब वह अर्थ का लीडर कॉल को आकर कहता है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि तुम कौन हो, तुम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर हंजा के खून में से हो। 30 साल पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था और अब तुम उसी नस्ल से हो। कॉल कहता है कि मेरे पल्ले ये बातें नहीं पड़ रही, मैं अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ। इसलिए वो लीडर कॉल को उसकी फैमिली के पास पहुँचा देता है जहाँ वो अपनी बीवी बच्चों को मिलकर काफी खुश होता है। अब दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड का लीडर मॉर्टल कॉम्बैट से पहले अर्थ के फाइटर्स को मारने की तैयारी में लगा था। अब वहाँ एक आदमी आउटवर्ल्ड के लीडर को कहता है कि मैं वहाँ एक आदमी को जानता हूँ जो कि उन फाइटर्स में ही है। वो शख्स काफी लालची है इसलिए उसे हम अपनी तरफ कर सकते हैं। हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि केनो ही होता है। वो शख्स केनो के पास आकर कहता है कि तुम किन कमजोर लोगों में फंस गए हो, तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें पैसे के साथ साथ बहुत सारी पावर्स भी देंगे। अब चूंकि केनो काफी लालची था इसलिए वो उनके साथ मिल जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे क्या करना होगा तुम्हारे साथ जाने के लिए। अब केनो उस शख्स की बातों में आकर उस शील्ड को हटा देता है जो अर्थ के वॉरियर्स को आउटवर्ल्ड के मॉन्स्टर से बचा कर रखती थी। अब उस शील्ड के हटते ही आउटवर्ल्ड के लोग उस टेंपल में आ जाते हैं और वहाँ वो सब एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि उनके बीच एक काफी बड़ी फाइट होती है। अब अर्थ का एक वॉरियर आउटवर्ल्ड के लीडर को मारने ही वाला होता है कि वो लीडर एक फीमेल मॉन्स्टर को उस पर अटैक करने को कहता है, लेकिन उस अटैक से बचने के लिए अर्थ का वॉरियर उस फीमेल मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। हम देखते हैं कि अब केनो पैसों के लालच में अर्थ के वॉरियर्स पर हमला कर रहा था और चूंकि सोनिया के दोस्त को मेटल के आर्म्स लगाए गए थे इसलिए उसके नीचे गिरने पर उसके दोस्त के मेटल आर्म भी अब काम नहीं थे कर रहे। वहीं से सीन शिफ्ट होता है कॉल की फैमिली पर, जहां पर एक काफी बड़ा 4 हाथों वाला मॉन्स्टर आकर कॉल पर हमला कर देता है। अब कॉल चूंकि जख्मी हो गया था इसलिए वो मॉन्स्टर उसकी फैमिली पर भी हमला कर देता है। वहीं पर अपनी फैमिली को खतरे में देख कर कॉल की पावर्स आने लगती है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर एक शील्ड आ जाती है जिस शील्ड से किसी भी किस्म का हथियार बनाया जा सकता था। कॉल अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। अब अर्थ के लीडर को ये बात पता चल गई थी कि कॉल के पास पावर्स आ गई हैं, इसलिए वो वापस कॉल को टेंपल में बुला लेता है। अब हम सोनिया और उस आउटवर्ल्ड की एक फीमेल वॉरियर की लड़ाई देखते हैं, मगर उस लड़ाई के दौरान उस वॉरियर को पता चल जाता है कि सोनिया के पास कोई ड्रैगन वाला निशान नहीं है, इसलिए वो उसे ये कहती है कि तुम्हें जान से मारने का कोई फायदा नहीं होगा। अब उस वॉरियर के जाने के बाद केनो सोनिया के पास आ जाता है और उसे ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। नीचे हम देखते हैं कि सोनिया के दोस्त के हाथ अभी भी काम नहीं थे कर रहे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और कोशिश करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ काफी एडवांस होना शुरू हो जाते हैं, यानी उसके पास भी पावर्स आने शुरू हो जाती हैं और वो आसपास के पत्थर को उठाकर वहाँ सोनिया को भी बचा लेता है। अब वहाँ आउटवर्ल्ड के लीडर को ये पता चल जाता है कि कॉल हांजू की नस्ल से ही है, इसलिए वो उस पर हमला करवा देता है। ये देखकर अर्थ का लीडर एक शील्ड बनाकर उन सबको एक सेफ जगह पर भेज देता है। अब कॉल चूंकि खतरे में था इसलिए उसे बचाने के लिए अर्थ का वॉरियर अपनी हेड की मदद से कॉल की मदद करता है, पर ये देखकर गुस्से में आकर आउटवर्ल्ड का लीडर उसकी बॉडी से उसकी सोल निकाल लेता है और उसे वहीं पर जान से मार देता है। अब चूंकि उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल चुकी थी और अब उसे बचाया भी नहीं था जा सकता, इसलिए वो सब वहाँ से एक सेफ जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब वहाँ अर्थ का लीडर कॉल को एक खंजर देता है और उसे कहता है कि ये वही खंजर है जिससे हांजो मरा था और इससे ही उस वॉरियर को खत्म किया जा सकता है जिसने हांजो को मारा था। अब वहाँ कॉल ही कहता है कि हम प्लान बनाकर जैसे उन्होंने हमारे साथ किया वैसे ही हम उनके साथ करेंगे और एक एक करके उन सबको जान से मार देंगे। अब वो प्लान बनाकर ऐसा ही करते हैं। सोनिया का दोस्त और वो आग लगाने वाला लड़का आउटवर्ल्ड के 2 वॉरियर्स को जान से मार देते हैं। सोनिया वहाँ से चली जाती है सीधा केनो के पास क्योंकि उसने उन सबको धोखा दिया था। वहाँ जाकर सोनिया केनो से फाइट करना शुरू कर देती है और उसी फाइट में जैसे तैसे करके वो केनो को जान से मार देती है, जिससे केनो की बॉडी का ड्रैगन वाला निशान सोनिया की बॉडी पर आ जाता है और ऐसे ही उसके पास सुपर पावर्स भी आ जाती हैं। वहाँ से सोनिया अब सीधा कॉल के पास जाती है जो एक आउटवर्ल्ड वॉरियर से लड़ रहा था। वो वहाँ जाते ही अपनी पावर्स को यूज करके उस मॉन्स्टर को जान से मार देती है। अब ये खबर आउटवर्ल्ड के लीडर तक पहुँच जाती है कि कॉल के कहने पर उन्होंने हमारे सब वॉरियर्स को जान से मार दिया है। ये सुनकर वो लीडर गुस्से में आ जाता है और अपने वॉरियर्स को कहता है कि तुम भी ऐसे ही जाकर कॉल की फैमिली को फ्रीज कर दो। अब वो वॉरियर कॉल की फैमिली को किडनैप करके कॉल को अपने पास बुलाता है
है जहां उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। कोल अपनी फैमिली को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, पर वो वॉरियर कोल का खंजर निकाल कर उसका ही हाथ जख्मी कर देता है। अब चूंकि वो खंजर हांजू का था और कोल हांजू की ही नस्ल से था, इसलिए वहाँ वो खंजर ग्लो करने लगता है और इसी ग्लो से हांजू को ये पता चल जाता है उसकी नस्ल का अर्थ वाला वॉरियर किधर है और इसलिए वो वहाँ आकर कोल की मदद करता है। अब हांजू और उस वॉरियर की उधर काफी फाइट होती है। वहाँ हांजू उस वॉरियर को कहता है कि तुम्हें लगा था कि मैं मर गया था? नहीं, मैं वहाँ से हेल में चला गया था जहाँ जाकर मैंने हेल की आग को कंट्रोल करना सीख लिया। और ऐसा कहते ही वो अपने मुंह से आग निकाल कर उस आउट वर्ल्ड के वॉरियर को वहीं पर जला देता है। और उसे मारने के बाद हांजू कोल को कहता है कि तुम अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखना, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ अर्थ का लीडर आकर कोल से मिलता है और वो सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर आउट वर्ल्ड का भी लीडर आ जाता है जो कि काफी गुस्से में होता है। वो वहाँ अपने सब वॉरियर्स की लाश को उठाकर अर्थ के लीडर को कहता है कि इस बार तो तुमने मुझे हरा दिया, मगर अगली बार मैं वापस जरूर आऊंगा। अर्थ का लीडर उसे कहता है कि तुम अब हार चुके हो, इसलिए तुम वापस चले जाओ, और साथ ही वो अपनी पावर से उस लीडर को वहां से भगा देता है। और वो लीडर फिर उन्हें कहता है कि इस बार तो किसी तरह हमने उन्हें हरा दिया, मगर अगली बार उनके आने तक हमें तैयार रहना होगा, इसके लिए हमें और वॉरियर्स चाहिए होंगे। और वहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।